अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल गुजरात पेट्स बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी सेहत और लंबी ज़िंदगियों के लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। आपको तो पता है इस टाइम बर्ड की ब्रीड का सीज़न आ गया, इसलिए बॉक्स सारे मंगवा लिए गए हैं। कुछ बॉक्स पहले के थे लेकिन कुछ नए आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्स आ गए हैं। ये सारे बॉक्स बड़े बर्ड्स के लिए हैं, रॉ पैरट के लिए भी हैं, रोज़िला पैरट के लिए भी हैं, सनकनोर पैरट के लिए भी हैं, रिंगनेक पैरट के लिए भी हैं, अफ्रीकन ग्रे पैरट के लिए भी हैं और मेरा फेवरेट मकाऊ पैरट के लिए भी हैं। अभी आपको बर्ड से थोड़ा सा व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ ब्रीडर पेयर है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। इसके अलावा ग्रीन विंग है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है, ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से। इनकी वीडियो आगे जाके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जो लोग मकाऊ पैरट्स को रखना चाहते हैं, मकाऊ पैरट्स के शौकीन हैं, लेकिन उनको पता नहीं इसकी क्या कीमत है, ये कब ब्रीड करता है, कितने बड़े केज में रहता है, क्या खाता पीता है, इसको किस माहौल में रखना है, तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। ग्रीन विंग भी बहुत हेल्दी एंड एक्टिव है, आप देख सकते हैं। इसको लोग ब्लू एंड येलो मकाऊ पैरट भी कहते हैं। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ 7 से 8 साल में ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है। इसकी एज इस टाइम 8 साल है, माशाल्लाह से ब्रीड के लिए इस टाइम बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। इनका केज साइज़ 12 फुट ऊंचाई में है, 12 फुट लंबाई में है और 6 फुट चौड़ाई में है। अगर आप इससे भी बड़ा इनको केज देना चाहते हैं तो बेहतर है, आप इनको वो केज साइज़ दें जिसमें ये फ्लाई कर सकें। फ्लाई करने से ये खूबसूरत भी बहुत नज़र आते हैं, हेल्दी एंड एक्टिव भी रहते हैं और अच्छी से अच्छी ब्रीड करते हैं। ये खाने में सीड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं और बड़े ही शौक़ से ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। जितना आप इनको ड्राई फ्रूट देंगे उतनी ही अच्छी आपके पास ये ब्रीड करेंगे। ड्राई फ्रूट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़े ही शौक से ये खाते हैं। इनका बॉक्स साइज़ 24x16x24 होता है। इसमें ये बड़े अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं। ये साल में 1 से 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेयर भी होते हैं जो साल में 3 दफ़ा ब्रीड करते हैं। मेरा एक दोस्त लाहौर का है, उसके पास भी मकाऊ पैरट्स हैं, वो साल में 3 दफ़ा ब्रीड करते हैं। मकाऊ पैरट्स 1 दफ़ा में 2 से 3 अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद 28 से 30 दिन के बाद अंडों में से बच्चे निकाल लेते हैं। अंडों से बच्चे निकलने के बाद 72 से 75 दिन में बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये 3 मंथ तक अपने माँ बाप से ही फीड लेते रहते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ग्रीन विंग का ब्रीडर पेयर है, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है, फुल हीट पे है, ब्रीड के लिए रेडी है, बॉक्स लगा दिया गया है लेकिन अभी बॉक्स खोला नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव पेयर आप देख सकते हैं, ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी है। इसने पिछले साल भी ब्रीड की थी, माशाल्लाह से इस बार भी ये अच्छी ब्रीड करेगा, फुल हेल्दी एंड एक्टिव ब्रीडर पेयर है। इसको ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ड्राई फ्रूट में ये काजू, बादाम और अखरोट बड़े ही शौक से खाता है। फ्रूट में ये सेब, केला, अंगूर और आम भी बड़े शौक से खाता है। ये भी साल में 1 से 2 दफ़ा ब्रीड करता है और 1 दफ़ा में 2 से 3 ही अंडे देता है। इसका साइज़ ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ग्रीन विंग मकाऊ पैरट का वेट जो है तकरीबन 2 kg होता है और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 4 फिट तक होती है। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ का जो वेट है तकरीबन 1.5 kg होता है और इसका साइज़ जो है 3 फिट तक होता है। ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ ग्रीन विंग मकाऊ से छोटा होता है, लेकिन दोनों ही माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन विंग मकाऊ बहुत ही खूबसूरत होता है, ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इनके अलावा जी हमारे पास रिंग नेक के भी बहुत ही खूबसूरत पेयर हैं, आप देख सकते हैं वायलेट का बहुत ही खूबसूरत पेयर है, फुल हेल्दी एंड एक्टिव है, ब्रीडर पेयर है वायलेट का, आप देख सकते हैं मेल फीमेल कन्फर्म है, फुल हीट पे है, बॉक्स वगैरह लगा दिए हैं क्योंकि सीज़न आ गया है।
रिंग नेक से ब्रीड लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चंद बातों का आपको पता होना चाहिए तो आप इनसे बहुत ही अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। रिंग नेक से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले मेल और फीमेल कन्फर्म होना चाहिए। अगर आपको मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं पता तो मेल के जो गर्दन पे एक रिंग होती है रेड और ब्लैक कलर की, लेकिन फीमेल की गर्दन पे ये रेड और ब्लैक रंग की रिंग नहीं होती। इनकी एज 1.5 से 2 साल हो तो ये अच्छे तरीके से ब्रीड करते हैं। इनके बॉक्स का साइज 10x10x12 का हो तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। एक दफ़ा में 6 से 8 अंडे देने की सलाहियत रखते हैं। साल में ये 3 दफ़ा ब्रीड कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छी डाइट दें, अच्छी खुराक दें। आप इनको मिक्स सीड दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं। ये बड़े ही शौक से फ्रूट और सब्जियां खा लेते हैं। इस टाइम जो ये ब्रीडर पेयर आप देख रहे हैं 4.5 लाख से लेके 5 लाख तक इसकी ब्रीडर की कीमत है। आप इस ब्रीडर पेयर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। इस तरह के ब्रीडर पेयर लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से इस तरह के ब्रीडर पेयर मिलते हैं। इसके अलावा जी बहुत ही खूबसूरत लटीनो का रिंग नेक का भी ब्रीडर पेयर है, माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर पेयर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर में आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, फुल ब्रीडर है। इस तरह के खूबसूरत हेल्दी और एक्टिव पेयर की जो मार्केट प्राइस है इस टाइम 1,20,000 से 30,000 रुपये तक ब्रीडर पेयर मिल सकते हैं आपको। लेकिन इस तरह के ब्रीडर पेयर बहुत कम लोग बेचते हैं, अगर किसी मजबूरी में बेचें तो फिर ही बेचते हैं, वरना कोई भी इस तरह का इतना खूबसूरत पेयर कोई नहीं बेचता। ये भी साल में 2 से 3 दफ़ा ब्रीड कर सकते हैं अगर आप इनको माहौल अच्छा दें, डाइट अच्छी दें, इनको केज साइज़ अच्छा दें, बॉक्स इनका जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो अच्छा दें। आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए 100 फूड और एग फूड दे सकते हैं। ये बड़े ही शौक से खाते हैं और बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर आप इनका बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा बर्ड है, आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। इसका एक चिक जो है 18 से 20 हज़ार रुपये में सेल हो जाता है, बड़े इजीली सेल हो जाता है। लोग इसे बड़े ही शौक से घरों में भी पालते हैं, बड़े ही शौक से इसको घर में रखते हैं। इसका कलर देख के बहुत खूबसूरत बर्ड है ये, आप देख सकते हैं। ये भी एक ब्रीडर पेयर है, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। इसकी फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, फीमेल अंदर अंडों पर बैठ गई है और मेल बाहर, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव पेयर है। इसके अलावा जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत प्लम हेड का ब्रीडर पेयर आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कन्फर्म है, फुल ब्रीडर पेयर है। इसकी फीमेल ने अंडे दे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव पेयर है। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा डर है, आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फुल ब्रीडर पेयर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है। पिछली दफ़ा भी इसने ब्रीड की थी, 4 बच्चों की इसकी एवरेज है। पिछले साल भी इसने अच्छी ब्रीड की थी, इस बार भी अच्छी ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जी बहुत ही खूबसूरत रोज़ीला का ब्रीडर पेयर है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है, फुल ब्रीडर पेयर है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसके कलर आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क हैं, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ब्रीडर पेयर। ये भी साल में 2 से 3 दफ़ा अच्छी ब्रीड कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छा माहौल दें, अच्छा केज साइज दें, अच्छा ब्रीडिंग बॉक्स दें। इसका ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ रिंग नेक के ब्रीडिंग बॉक्स के साइज़ का जितना ही होता है। ये ज़्यादातर मिक्स सीड खाता है, फ्रूट और सब्जियाँ बहुत कम खाता है। अगर आप इनको 100 फूड और एग फूड दें तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। इसके अलावा जी बहुत ही खूबसूरत सनकनोर का ब्रीडर पेयर है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही डार्क कलर है, बहुत ही खूबसूरत है, टेल नेल फ्लाए बिल्कुल ओके है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और ब्रीडर पेयर है। इसके अलावा जी बहुत ही खूबसूरत सनकनोर की कलोनी भी लगाई हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव, 3 से 4 पेयर हैं इसमें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं सारे ब्रीडर पेयर हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सन कनोर के शौकीन हैं, इसको रखना चाहते हैं लेकिन आपको इसको रखना नहीं पता, आपको इसकी ब्रीडिंग लेने का तरीका नहीं आता, अगर आपको इसकी कीमत का नहीं पता तो आज इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको बताता हूँ। सन किनोर का ब्रीडर पेयर आपको 65,000 से लेके 70,000 तक अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। इसका ब्रीडिंग बॉक्स भी रिंग नेक के ब्रीडिंग बॉक्स के साइज़ के जितना ही ब्रीडिंग बॉक्स होता है उसमें ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। अगर आप इनका बिजनेस करना चाहते हैं तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं, साल में 3 से 4 दफ़ा ईजीली ब्रीड कर सकते हैं। इनका एक चिक 12,000 से 15,000 रुपये तक ईजिली सेल हो सकता है। ये खाने में सीड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। इनको अगर आप सो फूड और एग फूड दें तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे ब्रीडर पेयर हैं ये। इनका केज साइज़ अगर 4x4 का हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी फ्लाई करते हैं, जिसमें बर्ड फ्लाई करता उसमें बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है, ये तो आप सबको ज़रूर पता होगा। इसके अलावा जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, हेल्दी एंड एक्टिव माशाल्लाह से हमारे पास रा का ब्रीडर पेयर है। इस टाइम मेल और फीमेल फुल हीट पे है, दोनों बॉक्स के अंदर चले गए हैं, जब मैं वीडियो बनाने लगाऊँ तो दोनों अंदर चले गए हैं। बहुत ही खूबसूरत रा का ब्रीडर पेयर है, आप देख सकते हैं। रा पैरट की जो ब्रीडर पेयर की इस टाइम कीमत चल रही है 70 से 80 हज़ार, ब्रीडर पेयर की कीमत चल रही है। इनके एक चिक्स की जो प्राइस है 10 से 12 हज़ार रुपये में इजीली ये सेल हो जाता है। ये साल में 2 से 3 दफ़ा अच्छी ब्रीड कर जाता है, अगर आप इनकी अच्छी डाइट रखें, अच्छा माहौल दें, 4x4 या इससे भी बड़ा अगर आप इनको केज देंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी फ्लाई भी करेंगे और बहुत ही अच्छी ब्रीड भी करेंगे। रा पैरट पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाला पैरट है, जितने भी इसके चिक्स हों वह सेल हो जाते हैं, बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। रा पैरट के बच्चे लोग घरों में पालते हैं, उनको टेम करते हैं, उनको बातें सिखाते हैं और बड़े ही शौक से घर में रखते हैं। और याद रखिएगा कि रा पैरट को रखने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, रा पैरट का लाइसेंस ज़रूर बनता है, तो आपने ये लाइसेंस जब भी रखना है ज़रूर बनवाना है। ये खाने में मिक्स सीड, फ्रूट, सब्जियां और ड्राई फ्रूट बड़े ही मज़े से खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। इनका बॉक्स साइज़ तकरीबन 12x12x24 का हो तो उसमें ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करते हैं। बॉक्स हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, इससे ब्रीड अच्छी आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बर्ड्स को छोटा बॉक्स लगा देते हैं, जिसमें वो अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पाल सकते, इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बॉक्स थोड़ा सा बड़ा रखा करें अपने बर्ड्स के लिए, उसमें वो अच्छी ब्रीड करेंगे। आपको हमारे परिंदे कैसे लगे और हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।